हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन टूडेज इंपॉर्टेंट वीडियो ओवर सेबीज़ न्यू पीक मार्जिन रूल्स एंड एंडर इंपैक्ट ऑन ट्रेडर्स इससे पहले कि हम आगे बढ़े और सेबी के नए पीक मार्जिन रूल्स के बारे में समझें एक बार हम मार्जिन को जल्दी से रिविजिट कर लेते हैं तो क्या है मार्जिन और क्यों ये ब्रोकर्स और ट्रेडर्स दोनों के लिए ज़रूरी है आइए समझते हैं मार्जिन जैसा हमें पता है एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है जो कि ट्रेडर को ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले अपने ब्रोकर को देना होता है यह अमाउंट टोटल टर्नओवर वैल्यू का एक पार्ट ही होता है मार्जिन अमाउंट अकाउंट में होगा तभी ट्रेडर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएगा यह अमाउंट अप्रंट लिया जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर आप एबीसी कंपनी के टू फिफ्टी शेयर बाय करना चाहते हैं और एक शेयर की प्राइस हंड्रेड है तो टर्न वैल्यू ट्वेंटी हो जाती है अब अगर एक्सचेंज ब्रोकरस को बोलता है कि उसे अपने ट्रेडर से इस एबीसी कंपनी के शेयर में ट्रेड करने के अगेंस्ट में ट्वेंटी मार्जिन अपने अकाउंट में रखना होगा तभी वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है तो अब ट्रेडर को अपने ट्रेडिंग अकाउंट में फाइव थाउजेंड रखने होंगे, तभी वो कंपनी एबीसी के टू फिफ्टी शेयर को बाय कर सकेगा अब यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है जरूरी नहीं है कि मार्जिन ट्रेडिंग अकाउंट में कैश के फॉर्म में ही हो अगर ट्रेडर के डिमेट अकाउंट में शेयर की होल्डिंग है तो उन शेयर को प्लेज करके भी मार्जिन क्राइटेरिया को फुलफिल किया जा सकता है प्लेजिंग ऑफ शेयर क्या होता है ये हम आपको आगे बताएंगे अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये मार्जिन लिया क्यों जाता है अब हमें पता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो वो कम से कम दो पार्टीज के बीच होता है तो ब्रोकर के पर्स्पेक्टिव से काउंटर पार्टी रिस्क को कम करने के लिए मार्जिन अमाउंट लिया जाता है क्योंकि ब्रोकर ट्रेडर को 20 टाइम्स 30 टाइम्स तक लिमिट दे देते दे थे, थे इंट्राडे में जिससे ब्रोकर का रिस्क एक्सपोजर बढ़ जाता था और ट्रेडर भी अपनी रिस्क कैपेसिटी से ज्यादा का लेवरेज यूज करते हुए बड़े ट्रेड करता था जिससे उसका रिस्क एक्सपोजर भी बढ़ जाता था और कैपिटल इरोड हो जाती थी तो ब्रोकर और ट्रेडर के रिस्क को कम करने के लिए सेबी ने न्यू पिक मार्जिन रूल्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है लेटस गो थ्रू द टाइप्स ऑफ मार्जिन फर्स्ट इज वार वैल्यू एट रिस्क ये 99% डेज में एसेट प्राइस में आए हुए एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन को देखकर डिसाइड किया जाता है लिक्विड एसेट्स में एक दिन के लॉस को मार्जिन कवर करते हैं वहीं लिक्विड एसेट्स में तीन दिन के लॉस को मार्जिन कवर करते हैं सेकेंड इज एक्सट्रीम लॉस मार्जिन 99% डेज में जो लॉस की प्रोबेबिलिटी है उसको कवर करने के बाद भी अगर कुछ एक्सट्रीम सिचुएशन में लॉस हो सकता है तो उसको कवर करने के लिए ई मार्जिन लिया जाता है इन एफ सेगमेंट इनिशियल मार्जिन इनिशियल मार्जिन इज यूज टू कवर रिस्क इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इनिशियल मार्जिन स्पेन और एक्सपोजर मार्जिन को एड करके बनता है स्पेन मार्जिन मिनिमम मार्जिन है जो कि एफ एन ओ में ट्रेड करने से पहले अकाउंट में होना ही चाहिए ये एसेट प्राइस के रिस्क और वोलेटिलिटी के बेसिस पर कैलकुलेट होता है एक्सपोजर मार्जिन इनिशियल मार्जिन के ऊपर लगाया जाता है जो कि मार्क टू मार्केट लॉसेज को मैनेज करने के लिए होता है तो चलिए देखते हैं क्या है इस एबी के न्यू पीक मार्जिन नॉर्म्स फर्स्ट दिसंबर 2020 के पहले ब्रोकर्स को दिन के आखिर में एक्सचेंज को मार्जिन के बारे में अपडेट करना होता था जिससे ब्रोकर को दिन में अपने हिसाब से इंटरडे मार्जिन डिसाइड कर लेने का मौका मिल जाता था जो कि टू परसेंट थ्री परसेंट इवन चार परसेंट तक हो जाता था ट्रेडर्स को काफी लेवरेज मिल जाता था और कम अमाउंट में ज्यादा बड़ी पोजिशन ले सकते थे इससे ब्रोकर की भी ब्रोकरेज बढ़ जाती थी और ट्रेडर्स का रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ भी बढ़ जाता था पर न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग अब क्लियरिंग ऑपरेशन ब्रोकर के इंटरडे पोजिशन अकाउंट का दिन में रैंडमली चार बार स्नैपशॉट लेंगे और चारों बार में जो भी पीक या हाईस्ट अमाउंट मार्जिन अकाउंट में होगा वो कंसिडर किया जाएगा अब अगर मार्जिन तो तो में होना है इसका पहला फेज एक दिसंबर को इंप्लीमेंट किया गया था जिसमें पीक मार्जिन रिक्वायरमेंट का पच्चीस मार्जिन को थ्रू आउट मेंटेन करना जरूरी कर दिया गया था दूसरा फेज एक मार्च दो से इंप्लीमेंट हुआ है यहाँ मिनिमम फिफ्टी ऑफ द रिक्वायर्ड मार्जिन रखना मैंडेटरी है थर्ड फेज विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट जून 2021 ऑनवर्ड और मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट 75 परसेंट हो जाएगी वहीं फोर्थ फेज फर्स्ट सितंबर 21 से शुरू होगा यहां पर 100 परसेंट मार्जिन ब्रोकर्स को अपने अकाउंट में मेंटेन करना होगा व्हाट इज पेनल्टी अगर ब्रोकर्स कम्पलाइंस को फॉलो करते नहीं मिलते हैं तो पेनल्टी के टर्म्स में ब्रोकर्स और क्लाइंट्स को जीरो से वन ऑफ शॉर्टेज अमाउंट पे करना होगा जो कि पांच तक हो सकता है अगर नॉन कम्पलायस ऑफ पीक मार्जिन रूल्स लगातार तीन दिनों तक देखने को मिलता है या एक महीने में पांच बार देखने को मिलता है तो पांच परसेंट तक का पेनल्टी शॉर्टेज अमाउंट पर चार्ज हो सकती है न्यू पीक मार्जिन रूल्स के पहले ब्रोकर अपने मन मुताबिक इंटरडेट पोजिशन में एक्सपोजर या लेवरेज देते थे जो कि डिसम्बर वन ट्वेंटी से फिक्स कर दिया गया है सेप्टेम्बर वन ट्वेंटी से इंटरडेट मार्जिन इक्विटी के वार प्लस ई एल एम रहेगा इसके ऊपर कोई अलग से मार्जिन नहीं दे सकते और एफ के केस में स्पेन प्लस एक्सपोजर मार्जिन ही मार्जिन को डिफाइन करेगा पर जैसा हमें पता है की हर स्टॉक का वार प्लस ई

वॉट प्लेजिंग ऑफ शेयर आप चाहे तो अपने डीमेट अकाउंट के शेयर को प्लेज करके भी मार्जिन को यूज कर सकते हैं जो भी शेयर की वैल्यू होगी उसमें से ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट हेयरकट यानी कि वैल्यू को रिड्यूस करके आपको कोलेट्रल मार्जिन दिया जाएगा अगर आपके अकाउंट में शेयर होल्डिंग एक लाख तक की है तो आपको सेवेंटी थाउजेंड से एट्टी थाउजेंड तक का मार्जिन अवेलेबल कराया जा सकता है प्लेजिंग कैसे करें उसका पूरा प्रोसेस आपको आपके ब्रोकर से पता चल जाएगा प्लेजिंग ऑफ शेयर आप अपने मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं इंदिरा सिक्योरिटीज के क्लाइंट ट्रेड इंस्टा ऐप के थ्रू शेयर को प्लेज कर सकते हैं न्यू पीक मार्जिन के फुल कंप्लाइंस के बाद के सिनेरियो को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अगर एक ट्रेडर के अकाउंट में ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज और उसको कंपनी एबीसी के शेयर्स बाय करने हैं, कंपनी एबीसी के शेयर्स की प्राइस अभी हंड्रेड रुपीज है तो ये ट्रेडर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में टू फिफ्टी शेयर बाय कर सकता है डिलीवरी बेसिस पर पर इंट्राडे में अगर मार्जिन ट्वेंटी परसेंट है तो उस ट्रेडर को पूरा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज रखने की जरूरत नहीं है वो टू फिफ्टी शेयर के ट्रेड केवल फाइव थाउजेंडेंडेंडेंडेंड रुपीज में भी कर सकता है तो प्रॉफिट और लॉस टू फिफ्टी शेयर पर होगा तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीजी में ये ट्रेडर वन टू फाइव जीरो शेयर यानी कि बारह सौ पचास शेयर्स पर इंट्राडे डे पोजीशन ले सकता है यानी कि पांच गुना उसको लिमिट मिल जाएगी पर न्यू पीक मार्जिन के पहले ऐसा नहीं था ब्रोकर अपने हिसाब से लेवरेज देते थे जो कि 20 टाइम्स 30 टाइम्स और कहीं कहीं तो 50 टाइम्स तक होता था जिसका मतलब की जहाँ पांच हजार के अकॉर्डिंग सकता है वहीं तब ट्रेडर छह हजार और ट्रेडर पचास शेयर्स क्वांटिटी में इंट्राडे डे पोजिशन ले सकता था इन शॉर्ट एज पर न्यू पीक मार्जिन रूल्स मैक्सिमम लिमिट दैट कैन बी विल कम डाउन टू फाइव टाइम्स तो आज के लिए इतना ही ऐसे ही हम नए इन्फॉर्मेटिव आपके सामने लाते रहेंगे पीक मार्जिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स पर लिखें हम उसका आंसर जरूर देंगे थैंक यू